किताबें करती हैं बातें। आवाज की तरंगों पर मेहनतकश जनता का साहित्य। श्रोताओं नमस्कार। सहकार रेडियो के कार्यक्रम किताबें करती हैं बातें के तहत राधा मोहन गोकुल जी की पुस्तिका धर्म का ढकोसला की तीसरी कड़ी और इसका दूसरा अध्याय कानून और सरकारें की ऑडियो रिकॉर्डिंग लेकर हाजिर हूं मैं सुनीता। ये इस अध्याय का दूसरा भाग है। ये लेख अर्ध साप्ताहिक प्रणवीर में जनवरी 1929 में धारावाहिक रूप में प्रकाशित हुआ था। पहले लेख में बतलाया जा चुका है कि बहुकाल व्यापी दास्ता ने मनुष्यों को इतना जड़ बना दिया है कि वह रोटी खाने के लिए भी धर्मशास्त्र की आज्ञा ढूंढता है और जानना चाहता है कि मैं क्या खाऊं, कैसे खाऊं। बातचीत करने के समय वह आवश्यक समझता है कि एक बार इस बात को जान ले कि देश के दंड संग्रह में शिष्ट और अशिष्ट की क्या परिभाषा है, श्लील और अश्लील में क्या अंतर रखा गया है। कानून बनाने वालों के दिमाग की बारीकी और भी हमारी बुद्धि को चक्कर में डाल देती है। किसी स्त्री या पुरुष का नग्न चित्र खींचा जाए तो अश्लील और घोर असभ्यता फैलाने वाला समझा जाता है, लेकिन तभी तक जब तक कि चित्र के नर नारी विभाजक प्रधान चिन्हों को किसी फूल या पत्ती या किसी छल से छिपा न दिया जाए। जहाँ जरा सी कृत्रिमता से वे अंग छिपा दिए गए कि सारी अश्लीलता अश्लीलता में परिणत हो जाती है। इस तरह कला कौशल के सर पर भी कानून का ठेंगा हर दम मौजूद नजर आता है। कितने ही लोग इन्हीं बेसिर पैर तर्क और युक्तिहीन कानूनी बारीकियों में अपना जीवन नष्ट कर देने के कारण बड़े नामी डॉक्टर, बैरिस्टर, वकील, पंडित और मौलाना के उच्च निनादी नामों से संसार में विघोषित हो रहे हैं। ये लोग जहाँ एक ओर लंबी चौड़ी वक्तृताओं से कानून की व्याख्या करते और उसका महत्व स्थापित करते रहते हैं, वहीं दूसरी तरफ थोड़े से विद्रोही हृदय भी पाए जाते हैं जो आंख बंद करके कानूनों का सत्कार करना बुरा समझते हैं। ये लोग जानना चाहते हैं कि ये अनुशासन या कानून कहाँ से आया, किसने बनाया, क्यों बनाया, इससे लाभ क्या, हम इसे क्यों माने, क्यों हम इसके मानने के लिए बाध्य हैं, इसकी प्रतिष्ठा हमारे लिए क्यों लाजमी है। आजकल तो लोग समाज की जड़ की पड़ताल में लगे हैं, उसी की तीव्रतर आलोचना करते हैं। जिन बातों को लोग धर्माज्ञा और पवित्र नियम समझे बैठे हैं, उन्हीं को वे उखाड़ फेंकने में मनुष्य जाति का कल्याण समझते हैं। कानून बिचारा क्या है, संसार में जड़ मूल से क्रांति की आवश्यकता है। कानून का भूत तो एक और रहा, ये समालोचक समूह निभ्रांत रूप से जान चुका है वर्तमान सामाजिक प्रथा या समाज शास्त्र में धर्म और राजनीति को समाविष्ट करने वाले खूब समझते हैं, विश्लेषण करके देख चुके हैं कि कानून के उद्गम स्थान दो ही हैं, एक तो ईश्वर जिसका मिथ्या भय दिखाकर पुरोहित मंडल ने जनता को भरमाया और हर बात में अलौकिकता की भ्रांति मूलक टांग अड़ाई। संसार को अंधविश्वास के गर्त में डालने वालों ने धर्म शास्त्रों की रचना की और जनता को अलौकिक शक्ति के कोप से भयभीत करके खूब उल्टे छुरे से मूंडा और धार्मिक कानूनों का जाल बिछाकर सदा के लिए इन्हें अपने पिंजरे का पक्षी बनाकर रखना चाहा। कानून का दूसरा स्रोत अग्नि और लोहे के बल से रक्तपात करके निर्बलों और शांत हृदयों पर विजयी होने वाले लोग हैं। इन थोड़े से लोगों ने सर्वत्र अपना प्रभुत्व जमाया और उसी की रक्षा के लिए कानून बनाए। इसका फल ये हुआ कि आज हमारी सारी की सारी धार्मिक, ऐतिहासिक, व्यवहारिक, न्याय संबंधी और सामाजिक शिक्षा ऐसे भावों से भर दी गई है कि लोग समझने लगे हैं कि यदि मनुष्यों को कानून की बेड़ियों से मुक्त कर दिया जाएगा तो वे फिर अपनी आदिम जंगली अवस्था में लौटकर पहुंच जाएंगे। बिना कानून और सरकार के एक आदमी दूसरे को निगल जाएगा। इसका कारण यही है कि हम पीलिया के रोगी की तरह सर्वत्र मनुष्य जाति में पशुता का ही साम्राज्य देखते हैं।
मानव बुद्धि का उपादान और निमित्त कारण कानून और सरकार ही है। अनेक ऐसे लोगों का भी जिन्हें हम विचारशील, विद्वान और वस्तु स्थिति का ज्ञाता समझते हैं, ख्याल है कि जनता विनष्ट न हो जाए अगर उसके सिर पर कुछ गिने चुने लोग, पुरोहित और शासक, या जज मजिस्ट्रेट अपने पुलिस और जेल रूपी दोनों पर फैलाए चील की तरह न मंडराते रहे। वो जनपद से कहते हैं, हम तुम्हारे रखवाले हैं, तुम सबको आपस में लड़कर मर जाने से बचाते हैं, तुम कानून की पूजा और प्रतिष्ठा करो और आज्ञा पालन करना सीखो, फिर जेल खानों और फांसी के स्तंभों की जरूरत नहीं रहेगी। सन 1848 में जब फ्रांस ने लुई फिलिप को अर्ध चंद्र देकर निकाला, तो वो फ्रांसीसी जनता से कहने लगा, मेरी प्रजा, तू मेरे बिना नष्ट हो जाएगी, इस बात का मुझे बड़ा दुख है। कैसे मजे की बात है, भेड़िए के न होने से भेड़ों का सर्वनाश हो जाएगा। अंग्रेज भी यही कहते हैं कि हम खुदा की खोई हुई भेड़ों की औलाद हैं, ईसा के नाम लेवा और धर्म तथा सभ्यता के अवतार हैं। हमारा कर्तव्य है कि अपने से दुर्बल जातियों पर सुंदर शासन स्थापित करें और संसार को शांति और सभ्यता का पाठ पढ़ाएं। हम लोग प्रत्यक्ष में धर्म की महत्ता और सुंदर शासन का परिणाम क्या देखते हैं? इससे जनता के विकास में बाधा पड़ती है? थोड़े से लोग सारी जनता की रोटी छीनकर आत्मसात कर बैठते हैं, उन्नति की गति रुकती है, पंडे पुजारी पुरोहित साधु हरामखोर बनकर मस्त फिरते हैं, मेहनती किसान मजदूर रोटी के टुकड़ों को तरसते फिरते हैं, एक तरफ नरक, जाति से बहिष्कार और सामाजिक दंड का भय दिखाकर पुरोहित पोसते हैं, दूसरी तरफ जेल, देश निकाला और फांसी का तख्ता हाथ में लिए हुए शासक हमारी ओर क्रूरता से देखते रहते हैं। अपनी नींद सोना, अपनी भूख खाना जनता के लिए हराम हो रहा है। एक मौलाना साहब कौवे की शागिर्दगी स्वीकार करते हुए कहते हैं कि हजरत इंसान ने कौवे से अपने मुर्दों का दफन करना सीखा। इसका प्रमाण खास अल्लाह मियाँ की जुबानी कुरान शरीफ है। दूसरी ओर कानून कहता है, मेरे औचित्य अनौचित्य का विचार करोगे तो जेल जाओगे, मैं सरकार का संरक्षक हूँ। जेलर और गुप्तचर मैंने शिकारी कुत्तों की तरह इसीलिए छोड़ रखे हैं कि वे कानून की प्रतिष्ठा और सरकार की सुंदरता को स्थिर रखें। एक पक्ष कहता है कानून के आगे सर झुकाओ, दूसरा पक्ष कहता है कानून के विरुद्ध बगावत का झंडा ऊंचा करो। हमें विचार करके देखना चाहिए कि किसकी बात ठीक है, किसका साथ दें, किस राह पर चलने में हमारा कल्याण है। सच पूछिए तो कानून तुलनात्मक दृष्टि से नवीन वस्तु है। प्राचीन काल में कानून के गठर नहीं होते थे, आज भी भूमंडल पर सभी देशों में लिखित कानून का दौर दौरा नहीं है। पुरोहित मंडल प्रधान शासन काल में भी धार्मिक और सामाजिक कानूनों की लिपिबद्ध पोथियां नहीं थी। प्रथा, आचार, व्यवहार, स्वभाव, सुविधा और आवश्यकता के अनुसार समाज अपनी गतिविधि का निश्चय करता था। लोग जैसे रोटी खाना, पानी पीना, खेती करना, कपड़ा बनाना परंपरा की रीत को देखकर सीख लेते थे, वैसे ही बचपन से अन्य रीतियों और रिवाजों को भी सीख लेते थे। प्रत्येक ग्राम या जन समुदाय में अलग अलग रीति भांति आचार व्यवहार के नियम होते थे। बहुत बातों में प्रांत भर के नियम एक से होते थे। इन्हीं नियमों के सहारे लोग प्रेम पूर्वक सुख के साथ रहते थे। कुछ ग्रामों में जाकर हम आज भी देख सकते हैं कि बिना किसी कानून की खोज खबर के सब लोग अपना जीवन पुरानी रीति नीति के आधार पर सुख पूर्वक व्यतीत करते हैं। कानून की महामारी का जोर सबसे अधिक बड़े बड़े नगरों में देखा जाता है, उससे कम कस्बों में और उसके बाद उन ग्रामों में जो नगरों और कस्बों के नजदीक ही बसे होते हैं। ये बात भी भारतवर्ष में सन 1857 के गदर के बाद ही ज्यादा फैली है। हाँ, धर्मांधता जनित पुरोहिती खड़ग अवश्य जनता का रक्त आज से भी कहीं ज्यादा पिया करती थी। ठगी, सती, हिजड़ा समाज, काशी का आरा, दरगाहों, मंदिरों, घाट बाट का लुटेरापन, सभी बातें धर्म पर आधार रखती थी। ये बातें न केवल भारत पर वरन सभी देशों पर एक समान घटित होती हैं। यूरोप के इतिहास को देखें तो धर्म के नाम पर वहाँ जो लुच्चापन होता था वो एशिया से कहीं बढ़ चढ़ कर था। सार ये है कि कुछ लोग ईश्वर या उसके प्रतिनिधि राजा के नाम पर कानून बनाकर प्रागैतिहासिक काल से ही जनता की आंखों में धूल झोंक कर अपना उल्लू सीधा करते चले आए हैं।
लेकिन इस रक्त शोषक समुदाय की उत्पत्ति के पूर्व समस्त मनुष्य जाति बिना कानून के थी और सुखी तथा स्वतंत्र थी, इसमें संदेह नहीं। ये बात अब भी जंगली और सभ्य कही जाने वाली जातियों का अंतर देखकर जानी जा सकती है। हमारे पास ऐसे ऐतिहासिक प्रमाण हैं जिनको विद्वानों ने स्वीकार किया और हमारे कथन की पुष्टि करते हैं। आदिम अवस्था के लोगों की रीति नीति को विश्लेषण करके देखते हैं तो दो प्रकार की स्पष्ट रीतियाँ मिलती हैं। एक तो वो हैं जो समाजबद्ध होकर रहने की आवश्यकता और इच्छा से स्वाभाविक समझ द्वारा उत्पन्न होती हैं। इससे समाज की रक्षा और वंश की वृद्धि अभीष्ट होती है। बिना कुछ नियमित रीतियों के सामाजिक जीवन कठिन प्रतीत होता है, पर रीतियों का संस्थापक कानून नहीं होता, ये तो कानून के जन्म से बहुत पहले की हैं। ना धर्म ही इनका संस्थापक होता, क्योंकि इनके उत्पत्ति काल में धर्मों का भी पता नहीं था। ऐसी अनेक रीतियाँ समाजबद्ध होकर रहने वाले पशु में भी देखी जाती हैं, क्योंकि उनका जीवन बिना समाज के कठिन हो जाता है। समाज में रहने के लिए कुछ सर्वमान्य नियम जरूर होते हैं जो समानता के द्योतक होते हैं, पर ये सब स्वाभाविक समझ से पैदा होते हैं। ये सब बातें प्राणी में आवश्यकता के अनुसार स्वयं प्रस्फुटित होकर धीरे धीरे काल के परिवर्तन के अनुसार विकसित होती और वृद्धि प्राप्त करती रहती हैं। जंगली लोग एक दूसरे को खा नहीं जाते, अपने आहार और वस्त्रों के लिए खेती बाड़ी आदि करते हैं। क्या उनके पास कोई कानून का संग्रह लिखा हुआ रखा रहता है? इस जमाने में भी उनके पास कोई कानून नहीं मिलेगा। जिसका जी चाहे ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका या एशिया के जंगलों में जाकर देख ले, भील, भरिया, संथाल आदि लोगों में कानूनी कोड़े का कहीं नामो निशान नहीं मिलेगा। तो श्रोताओं, सहकार रेडियो के कार्यक्रम किताबें करती हैं बातें में अभी आप सुन रहे थे राधा मोहन गोकुल जी के लेखों पर आधारित पुस्तक धर्म का ढकोसला की ऑडियो रिकॉर्डिंग की तीसरी कड़ी। इस अध्याय का शीर्षक था कानून और सरकारें। ये इस अध्याय का दूसरा भाग था। पुस्तिका का संपादन किया है कात्यायनी और सत्यम ने तथा इसे प्रकाशित किया है राहुल फाउंडेशन लखनऊ ने। अगर सहकार रेडियो का ये कार्यक्रम आप पहली बार सुन रहे हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए 9617226783 पर अपना नाम और जिला या शहर का नाम लिखकर भेजें। फेसबुक पर जुड़ना चाहते हैं तो पेज लाइक करें। यूट्यूब पर जुड़ने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। हमारे बारे में अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट sahakarradio.com देखें। तो इस पुस्तक श्रृंखला की अगली कड़ी के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए विदा मुझे यानी सुनीता को। नमस्कार। किताबें करती हैं बातें। आवाज की तरंगों पर मेहनतकश जनता का साहित्य।